बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नाइन्थ क्लास इंग्लिश का गेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इंशाल्लाह हमारे बनाए हुए गेस में से आपका पेपर लाजमी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हर चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पैराग्राफ्स हैं या क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप अपनी बुक ओपन कर लें और साथ साथ इसको निशान कर लें, लगा लें। देखिए हमारे पास सबसे पहला जो चैप्टर यूनिट नंबर वन, उसमें जो मैंने ये हाईलाइट किए हुए हैं ये वो क्वेश्चन है या वो पैराग्राफ हैं जो बार बार पेपर्स में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आपका जो अब पेपर आ रहा है फर्स्ट टाइम का या सेकंड टाइम का, वो पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से, इन्हीं पैराग्राफ्स में से आएगा। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो हमें पैच में क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें से भी मैंने कुछ सिलेक्ट किए हुए हैं क्वेश्चन, और ये मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है पैराग्राफ नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पेज नंबर हमारे पास है इसका 6 नंबर पेज पे जो हमारे पास आंसर क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन 1, 2, 4 एंड 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पेपर इंशाल्लाह 100% इसी के अंदर से आ जाएगा। आप इसको भी बहुत तवज्जो के साथ देखें और बुक पे निशान लगाते जाएं। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें पैराग्राफ नंबर 1 है, 2 है, 3 है और उसके बाद ये जो दो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये आप लाजमी देखेंगे, ये करेंगे लाजमी। पेज नंबर 13 का मैंने बता दिया, उसके बाद पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये दो क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेने हैं। इसके बाद आ जाएं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3 है आप लोगों का। इसके अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो पेज नंबर 22 पे हैं। ये टीचर वाला, ओके वी हैव डिसाइडेड, एक ये वाला। उसके बाद ये स्टूडेंट नंबर 1, मीडिया हेल्प पीपल टू शेयर नॉलेज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 25 पे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, पेज नंबर 33, यूनिट नंबर 4 है, हजरत असमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसका जो पैराग्राफ नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ नंबर 5 है। पेज नंबर 35 पे पैराग्राफ नंबर 7 है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक नहीं है, बहुत सारा कुछ मैंने इसमें खत्म करवा दिया है। पेज नंबर 38 पे आपको ये जो क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 नजर आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 6, द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान। इसके अंदर आप पेज नंबर 63 पे आते हैं तो आपको पैराग्राफ नंबर 1 इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आ सकता है। पैराग्राफ नंबर 2 है, पैराग्राफ 3 है। अच्छा, इसमें ये सारा नहीं करना, ये बस ये पहला जो पैराग्राफ है ना यहाँ तक ये करना है। इसके बाद ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये लाजमी देख लेंगे आप लोग। पेज नंबर 64 पे एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4 ये देखेंगे। 65 पेज पे हमारे पास जो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सुल्तान अहमद मस्जिद पेज नंबर 74 पैराग्राफ नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। 7, 8, 11 और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 76 पे, इसमें आपके पास क्वेश्चन है 1, 2, 4 एंड 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 पे आ जाएं, ऑल इज नॉट लॉस्ट। इसमें आप देखें ये वाला जो पेज नंबर 94 पे शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 95 पेज पे पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये सारे नहीं करने, ये आपने इतने करने, ये पहला जो इसका हिस्सा यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 पेज नंबर 97 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 10 है, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर जो पैराग्राफ नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर आप आ जाए 106 पे, पैराग्राफ नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड लास्ट क्वेश्चन है 107 पेज का। फिर आप आ जाए यूनिट नंबर 11 पे, नॉइस इन द एनवायरमेंट। इसमें आपके पास पहला पैराग्राफ, फोर्थ वाला और सिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पेपर में आ चुके हैं। 115 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 5 है। इसके बाद यूनिट नंबर 12 है, इसमें आपके पास पैराग्राफ नंबर 2, 6, 9 एंड 10। उसके बाद दो क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। तो ये आपके बुक के अंदर से मैंने तमाम इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। अब ये सारी मैंने बुक बता दी, अब हम ग्रामर वाले पोर्शन पे आते हैं। ग्रामर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो भी देख लें। सबसे पहले हमारे पास लेटर्स एंड एप्लीकेशन है। लेटर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट लेटर है। यहां पर आपके पास 12 और 14 भी नजर आए, ये वाले वो लेटर हैं जो बार बार पेपर में रिपीट हुए और बार बार आए हुए हैं। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने डायलॉग किए हुए हैं तो डायलॉग भी बता रहा हूँ। ये 3 डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और 4 वाला। बाकी चीज़ें इसके अंदर से भी मैं आपको कुछ बताता हूँ, बुक के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं।
अगर किसी बच्चे ने स्टोरीज की हुई हैं तो स्टोरी ये वाली दो लाजमी करें, पेज नंबर है आपका 11, पेज नंबर 13 पे ये बॉय वाली द बॉय हु क्राइड वुल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो आपके पास स्टोरी है ग्रीडी स्कर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 14 पे है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, मजीद दो चीज़ें पेपर में आई हुई हैं बार बार। ये आपके पास पैराग्राफ वाला आ गया टॉपिक, पैराग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं कंप्रीहेंशन वाले, उसमें पैराग्राफ आपके पास जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो ये है, पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जो आने वाले हैं। उसके बाद 10, उसके बाद ये आपके पास एक्सरसाइज में जो 4 है, एक्सरसाइज में 5 है, पेज नंबर 40 है ये वाला। उसके बाद पेज नंबर 42 पे एक्सरसाइज नंबर 8 है। उसके बाद पेज नंबर 44 पे एक्सरसाइज नंबर 13 है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं जो पेपर में बार बार आए हुए हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो पेपर में बार बार आई। इसके अलावा जो एक्टिव पैसिव हैं या बाकी जो पेपर का हिस्सा है उसका मैं आपके साथ ये स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी करें। इंशाल्लाह ये आप करेंगे तो आपका पेपर लाजमी हो जाएगा। और बाकी इसकी इंशाल्लाह शॉर्ट फॉर्म जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो बाकी कुछ शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें होंगी जो मैं आपसे शेयर करूंगा, वो आप लोग नीचे जो मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन करें। जब आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको वो तमाम चीज़ें वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं, जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड हैं या रिजल्ट से रिलेटेड हैं। आप उसको ज्वाइन कर लें, ग्रुप का लिंक नीचे आपको दिया गया है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट या नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।